भाई ये लोग ऐसे नाकारा दोस्त है ना, भयंकर पैसे पैसे करके मरदाने वाले हैं। मेरी YouTube इनकम पे ऐसी नजर है ना इनकी भाई। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइज। तो अभी देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है मेरी बाइक, काफ़ी गंदी हो रही है गाइज, और इसे धुलाने के लिए आया मैं वॉशिंग सेंटर पे, जो कि मेरा ही दाग है। तो एक बार फटाफट से बाइक धुला दे गाइज। और ना गाइज, उसके पीछे का टायर है गाइज, ये थोड़ा घिस चुके हैं, नया टायर लगा रहे गाड़ी में, तो इस पर बर्नआउट पड़ेगा मस्त वाला है। मतलब पहले एक बार गाड़ी धुला देते हैं यार। फाइनली बाइक धुल चुकी है और अभी चलते हैं, इसमें पेट्रोल फिल करा दे भाई, पेट्रोल भी नहीं है इसमें। चलते हैं भाई आराम आराम से एक बार पेट्रोल पंप और इसमें करा दे पेट्रोल फिल भाई। अंकल जी बढ़िया हो भैया, पेट्रोल भी फिल हो चुका है, अभी चलते हैं भाई ऊपर वाली रोड से चलेंगे। गाइस आपका एक व्लॉग में कमेंट आ रहा था कि कैमरा एंगल सही करो, कैमरा एंगल सही करो। आजकल कैमरा एंगल कैसा आ रहा है वो चीज़ आप मेरे को बताओ भाई, कि कैमरा एंगल कैसा आ रहा है मेरे GoPro का। गाइस मैं सोच रहा हूँ टायर बदलने की, लेकिन उससे पहले मैं मारूंगा एक ज़ोरदार बर्नआउट, जो कि आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा भाई। बाकी यार गाड़ी धुलाने के बाद बड़ी मस्त चलती है यार गाड़ी। अभी हम पहुँच चुके हैं स्टेशन भाई, बाकी साइड स्टेशन साइड भी बड़ी भसड़ है यार, भीड़ के अंत में बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार। बाकी भाई यार आजकल ठंडा इतना हो रहा है ना भयंकर ही वाला, बाइक चलाने में तो फट जा रही है भाई। कोई भी कहीं पर से भी रोड क्रॉस कर लेता है, कहीं पर से भी गाड़ी मोड़ लेता है भाई, आगे पीछे भी नहीं देखता भाई। ये देखो आगे चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस, तो हम भी डाल देते हैं भाई इनके पीछे पीछे गाड़ी लिंक रोड को, फिर उसके बाद करेंगे हम लक्की भाई को फ़ोन। गाइस आपका फेवरेट ड्राइवर कुवी दाई भी आ रखा है शहर में, तो कुवी दाई से भी मिलेंगे गाइस। अभी पहले थोड़ी देर घूमते हैं यार, तफरी मारते थोड़ी देर भाई, क्या सीन है क्या चक्कर है। तो धूप बिल्कुल फेस में पड़ ली है भाई, कई गंदी तरीके से कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। राजा की दुकान, राजा की दुकान। थोड़ी देर यहाँ लौटो से मिलते हैं भाई। हेलो हेलो बीट किंग यार, ये कैमरा वाले फूड ब्लॉगर बाहर जाओ यार, फूड ब्लॉगर बाहर जाओ, फूड ब्लॉगर बाहर। तो गाइस ये बीट किंग है, ये रैप करते हैं, इनको एक साल हो गया रैप छोड़े हुए। वैसे तो मैं इनसे कह रहा हूँ रैप निकालो निकालो, बट ये एक साल से रैप ही नहीं निकाल रखा इन्होंने, सकल कोई फायदा नहीं ब्रो। इतना बड़ा वाइड एंगल है, इतना तो आएगा ही तेरा फेस पता चल जाएगा बीट किंग है क्या। नहीं तो जाऊँ निकलूँ सीधे। देख रहे हो ताई जैसे मतलब ही दोस्त हैं, छोले समोसे खिला रहे, तो रुक यहाँ नहीं तो बढ़ ले सीधे। तुम्हारी चल रही है, जिसकी चलती क्या गलती उसकी। और ब्रदर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है तो बड़ा पैसों के लिए याद करते थे यार हमें, हैं बोलो ना आप क्या हो गया। ये लोग ऐसे नाकारा दोस्त है ना भयंकर पैसे पैसे करके मरदाने वाले हैं। मेरी यूट्यूब इनकम पे ऐसी नजर है ना इनकी भाई। रुक जाओ बेटा, मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता। तो गाइस अपने नाकारा दोस्तों को मतलब चाय पिलाने ले जा रहा हूँ, चाय दे दो चार। हाँ मतलब ऐसा क्यों, मतलब कैश पहले देने वाला सिस्टम। अच्छा अच्छा ओके सही, आप अपनी जगह बहुत सही हो अंकल, ठीक है थैंक यू। तो भाई अभी थोड़ी देर भाई लोगों के साथ गप वप मार के अभी हम निकल गए हैं लक्की भाई को पिकअप करने के लिए। लक्की भाई के साथ भी कई टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी जा रहे देखो यहाँ पे दो दो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं भाई, रोड घेर दिए उन्होंने कई गंदे तरीके से। तो भाई लक्की भाई देखो कैसे लुक गैंगस्टा वाले लुक में आ रखे हैं, बहुत दिखा लिया भाई भैया अपने ब्लॉग में आपने बहुत दिखा लिया, अब हमारी बारी है। तो गाइस आज है दूसरा दिन भाई, और ये जो व्लॉग है दो दिन का मिलके बनाऊंगा मैं भाई। और अभी मैं निकला था भाई घर से शूट करने के लिए, और मुझे पता ही नहीं चला भाई इसमें चिप मैंने डाली नहीं थी। अभी हम जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए,
भाई ये तो कहीं खतरनाक हो गया। वो भी भाई भाई के वहाँ आया शूज लेने के लिए। अभी देखते हैं भाई, इतने सारे शूज लगे, इनमें से पसंद करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, भाई की दुकान से ले लिया शूज। और आ सकते हैं भाई, अभी नया सामान आने वाला है। पैसा भी दिया है पैसा कमा रहा भाई, दोस्त से बिजनेस कर रहा है आजकल। बढ़िया, आते रहो, अच्छा लगा तुम लोग आए तो। चलो ठीक है। ओ ज्वल्ला, तो गाइस अभी देख सकते हैं हमारे साथ है लक्की भाई और कूबी भाई, और हम निकल रहे हैं अपना टायर चेंज कराने के लिए। और टायर चेंज कराने से पहले हम एक अच्छी वाली बर्नआउट मारेंगे। तो गाइस हमने बर्नआउट मारना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अभी गाड़ी देखो, गाड़ी का टायर खुल चुका है और उधर नया टायर लग चुका है। ये अभी इसमें भरी जाएगी हवा। लगा दो जाने।